तो फ्रेंड देखिए, आगरा का ताजमहल आपके लिए स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। इसमें 1 घंटे का वीडियो है, पूरा देखना। इसमें अकबर मकबरा, जोधाबाई का मकबरा, सलीम वगैरह, रुकैया बेगम, सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो बने रहना और लास्ट तक देखना, ताजमहल की हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारी आगरा की जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो कितना खूबसूरत है, लगता है आँखों में ही। और फैमिली के साथ इंजॉय करने में बहुत ही मजा आता है। 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, इसलिए हम आ गए। मंजिल जाने के लिए 200 रुपये टिकट यहाँ से लेना होता है। सो फ्रेंड, आप देखिए खूबसूरती ताजमहल की। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। दर्द होने लगा भैया बहुत, चलते चलते 10,000 कदम हो चुके भाई। अभी आपको दिखाते हैं हम। ठंड के मारे वर्क करना बंद कर दी घड़ी ने। देखो कितना अच्छा। यहाँ से रेलिंग रहती है। सभी लोग साथ में चल रहे हैं। ये देखो बनाया था आकृति। ये देखिए गुम्बद बने हुए हैं, सीढ़ियां ऊपर हैं, आप जा सकते हो, पर अभी अलाउ नहीं है। मकबरे में जाते समय फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो आपको वीडियो वहाँ का नहीं देखने के साथ मिल पाए। पर हम जो भी फील रहा वहाँ का, जैसा होगा आपको हम बताएंगे। इससे फीलिंग रहेगी। आए थे हम यहाँ पर, मकबरा नहीं देख पाए थे, आपको मकबरा देखने को मिलेगा। सेकंड जो मकबरा है उसमें कुछ टाइम तक रही थी, इसलिए वो सेकंड है। देखो ऊपर अभी आपको हम दिखा रहे हैं सुमत, इतना प्यारा है। लो वैसे टाइमिंग 7 बजे ओपनिंग की रहती है, पर हमें 10 बजे आना चाहिए। क्यों? फुल व्यू तभी आपको मिलेगा जब तक आपको सूरज सामने से नहीं आ जाएंगे। देखो कितनी प्यारी डिजाइन है। सामने की लोकेशन इस तरह है। हम लोग इंट्रेंस गेट उधर वाला था, उधर से आए थे। ये कुछ सेम टू सेम है। इधर काम भी चल रहा है, अभी चलते हैं हम नीचे, दिखाते हैं आपको। आज रविवार तो
कुछ सेल्फियाँ इधर की भी हो जाएं। क्या करती हम लोग सेकंड पे आ गए थे, बस कुछ लास्ट ही है, चल रहे हैं हम लोग। देखो किस किस एंगल से लोग खींच रहे हैं। हाँ? चील की। हाँ कुछ एंगल होते हैं देखो फोटो खींचने के, बैठ के वैसे। बहुत थक गए भाई, रेलिंग से दूर रहना बस बता रहे हैं। अरे एक फोटो तो रह गया ऐसे वाला। कौन सा? तो नजारा आपको दिखाने के लिए आगे हम रेलिंग से दूर रहना, ये बंद है। गुम्बद ऊपर जाना होता है तो ऊपर तक जा सकते हो आप लोग। क्यों अब नीचे तरफ जा रहे हैं सीढ़ियां? आ जाओ, देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। बताओ ताजमहल की देखो भीड़। एंटर करते हुए दिखाते हैं आपको ताजमहल, उसकी खूबसूरती देखिए, कितनी अच्छी लगती है। कुछ इस तरह तो फ्रेंड अभी देखो मेनू चार्ट, कढ़ाई पनीर है, कई मटर, शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर है, मलाई कोफ्ता है, मिक्स वेज है, आलू हीरा है। क्या क्या खाएगा? क्यों करती मलाई पनीर? काफ़ी भीड़ है, इंडियन ड्रेस मिलती है अच्छी काफ़ी, काफ़ी भीड़। देखो क्या चाहिए हमें। फिर दोबारा से अभी आया है कढ़ाई पनीर, स्वाद नहीं लग रहा है मुझे इसमें। अरे अच्छा था, गुलाब हो रहे भैया। देखो झंडा। पहले कोई जज और वकील नहीं थे जी। अकबर का एक हाथी जो हाथी गिफ्ट किया अकबर बादशाह को राजा मान सिंह ने जी जी। उस टाइम में अकबर का हाथी गुनहगार को यहाँ जजमेंट करता था, यहाँ मारता था। ये रिंग दिख रहे हैं आपको, ये रिंग बना हुआ है जी। यहाँ पर अकबर के हाथी को बांधा जाता था। हाथी को यहाँ बांधने के बाद उस टाइम जो गुनहगार थे हाथी के सामने उसको डालते थे। हाथी स्मेल से मालूम करता कौन और बेगुनाह है। गुनहगार को सुनने के बाद ये बिल्डिंग है ना जी, जहाँ अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे, वहाँ अकबर बैठते थे और अकबर के मंत्री वहाँ खड़े होते थे। नौरमंत्री ना अकबर बादशाह के जी। वहाँ खड़े उगने के बाद अकबर बादशाह का हाथी वहाँ गुनहगार को वहाँ जजमेंट करता था, फैसला देता था। तो ये उस टाइम का दीवाने आम है जहाँ आम जनता का फैसला किया जाता था जी। ये जो जगह आप लोग देखने के लिए आए हुए हैं, इस जगह को बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी दो भागों में डिवाइडेड है। ये किला जो आप लोग देखेंगे, पहला किला जो बना हुआ ये सीकरी है जी, जो अकबर का रहने का जगह था। सेकंड कॉम्प्लेक्स फतेहपुर जहाँ आप लोग जाएंगे बाद में, वो आगे बना हुआ है। दोनों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी कहते हैं। फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट बनाया था अकबर बादशाह ने, पर इसको नाम फतेहपुर सीकरी अकबर के दादा ने दिया है। बाबर, पहला मुगल बाबर आया जी। बाबर के टाइम यहाँ रहने का जगह नहीं, सिर्फ सीकरी गांव। और गांव के जो पहले राजा थे उनका नाम था राणा संग्राम सिंह जी। पहले यहाँ एक फाइट हुआ खानुआ में 1527 में जी। बाबर ने उस फाइट को जीतने के बाद इसको नाम रखा फतेहपुर सीकरी। फतेह बोलते हैं जीत को, पूर्व मिश्री सीकरी गांव मिलाकर फतेहपुर सीकरी जाने की विक्ट्री सिटी है।
अभी हम लोग यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे, इससे आगे बिल्डिंग बनवा है दीवाने खास, वो अंदर से आप लोग देखेंगे। थोड़ा भी इधर देखते हैं। हाँ देखिए, आराम से देखिए। तो फ्रेंड, जैसे भैया ने बताया है, ये देखो दीवाने खास, जहाँ अकबर बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे, उनके नाम रत्न थे, वो यहाँ पर खड़े रहते थे और यहीं से जजमेंट वगैरह सुनाया जाता था। तो उनका हाथी जो था वो आपको मैंने दिखाया है, वो वहाँ पर खड़े रह के माना जाता था, जो भी गुनहगार था उन्हें सूंघ कर देता था सजा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह है दीवाने खास, काफ़ी लोग, बहुत ही अच्छा है। देखो दीवाने खास आम, तो अभी आपको देखने को मिलेगा जोधा अकबर का बेडरूम, बादशाह अकबर का बेडरूम, रसोई सब मिलेगा देखने को। तो फ्रेंड चैनल बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, कि वो करती ठंड फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा दिखा पाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग अभी आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी, तो आपको हम दिखाने जाता है चाहते हैं कुछ स्पेस जोधा रसोई वगैरह, और काफ़ी टूरिस्ट हो इकट्ठे हो चुके हैं। तो भैया आपको जानकारी देंगे जो गाइड भैया हमारे साथ हैं। देखा ना वो दीवाने आम, देखा था दीवाने आम जी, आम जनता का फैसला अकबर का हाथी करता था जी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वाला जी, ये पर सपोर्ट किया गया है, ये अकबर टाइम का तोलादान है, जब अकबर के बेटा सलीम हुआ जहांगीर जिसको कहते हैं जी जी, उसको यहाँ सोने चांदी के सिक्कों में तोला जाता था, तोलने के बाद जो सोने सिक्के वो गरीबों को तस्लीम किए जाने बांटे जाते थे जी जी, जिस सलीम पैदा होने के बाद ही यहाँ पर बना था महल जी। और ये जो बिल्डिंग है डबल स्टोरिंग, ये अकबर टाइम का दीवाने खास, दीवाने खास का मतलब अकबर के नौरतन थे ना, अकबर और अकबर के मंत्री बैठकर वहाँ मीटिंग करते थे सीक्रेट मीटिंग अंदर में जी, जी। वो अंदर से आपको दिखाएंगे, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, चार रास्ते अंदर जाने के लिए हैं, वो आगे से आप लोग देखेंगे। आइए ये चार रास्ते अंदर आने के लिए जी, एक दो तीन, और ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता वहां से दिया गया है जी, एक रास्ता ये बना हुआ है, ये गेट से अकबर ऊपर जाते थे जी, यहाँ से अकबर बादशाह ऊपर जाते थे, वहां से अकबर के नौरत्न नौ मंत्री ऊपर जाकर वहां बैठते हैं, चार रैंप बने हुए हैं ऊपर, यहाँ बैठने के बाद अकबर के मंत्री और अकबर बादशाह सेंटर बैठने के बाद यहाँ मीटिंग करते हैं सीक्रेट मीटिंग जी, ये उस टाइम का दीवाने खास है जी जी। और चारों गेटों पर सैनिक खड़े होते थे देखा वाली के लिए जी, ये चार रास्ते हैं अंदर आने के लिए, ये दीवाने खास है उस टाइम का, यहाँ अकबर के मंत्री और अकबर बादशाह बैठकर मीटिंग करते थे सीक्रेट मीटिंग जी। बढ़िया, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आप लोग ये जो देख रहे हैं सब अलग अलग धर्म की हैं, क्योंकि अकबर बादशाह के तीन रानी थी ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जी, तीनों अलग अलग धर्म की थी, तो तीनों धर्म की डिजाइन बनाई गई है, ये मुस्लिम बना हुआ है ना जी, पश्चिम डिजाइन बना हुआ है जी, ये क्रिश्चियन का बना हुआ है जी, और ये मुस्लिम का है जी। तीनों धर्मों को मिलाकर अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही जी, दीन-ए-इलाही यानी कि तीनों धर्मों को मिलाकर, उस टाइम में जब तीर्थ यात्रा जब हज पे जाते थे तो लगान वसूल होता था जी, अकबर ने उस लगान को माफ किया तो दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था जी, तो यहीं पर चलाया। ठीक है, देख लीजिए फोटो, हाँ धर्म का फोटो वगैरह लेना था आप ले सकते हैं, जो आप क्रिश्चियन ऊपर है, जो मुस्लिम है ये अपना हिंदू धर्म में है, राजस्थानी आर्किटेक्ट दिया गया है ना, राजस्थानी आर्किटेक्ट पूरा ये जी जी। आप देख सकते हो जैसा कि भैया ने बताया है कि तीनों धर्मों को मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म शुरू किया था, पर चला नहीं, अपने धर्मों को मानने चल पाया था, कमी चला था वो जी। तो ये चार रास्ते हैं, चार रास्तों पे अकबर टाइम में सैनिक खड़े होते थे और बहरे बादशाह बैठे थे मंत्री साइड में, नीचे सैनिक। चलो हम आपको आगे और दिखाते हैं, और यहाँ से देखें आप लोग जी, ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग ये वाला जी, ये अकबर टाइम का खजाना महल, क्योंकि अकबर टाइम पहले कोई बैंक वगैरह नहीं थी जी, ये रूम जो बने हुए तीन भागों में डिवाइडेड दिया गया है, एक रूम ये बना हुआ है, एक ये सामने है और एक इससे आगे, ये तीन भागों में डिवाइडेड है। अकबर टाइम इस बिल्डिंग के अंदर में सोने चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात वो इसके अंदर रखे जाते थे, कोषागार इसे कहते हैं। अंदर से आपको दिखाएंगे वहाँ बॉक्स बने हुए हैं जी, उस टाइम बॉक्स के अंदर में उस पैसों के रखे जाते थे, गोल्ड कॉइंस वगैरह वो अंदर बॉक्सेस में रखे जाते थे, और साइड में कुछ कॉरिडोर बने हुए हैं लगाया है, वो कॉरिडोर उस टाइम में सैनिकों के खड़े होने के लिए, वॉचमैन उस टाइम में सोने चांदी की देखभाली करते थे। वो की टेजरी में जा रही है
वहाँ हिंदी में दिया? वहाँ हिंदी में, ये इंग्लिश में है, खजाना महल सब लिखा हुआ है उसके बारे में। आवे सिंह इसमें नोटिस दिया है, देखो तीन कमरे वाला ये भवन है जो गलती से भी अब आंख मिचौली कहा जाता है कि वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था, जिसकी विशेषता दिवाली दीवारों से निकली है पत्थर की तिरछी बॉक्स बने हुए हैं वहाँ पर, उनका दिखाएंगे धारियों में जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों जबड़ों से निकालते हुए बनाए गए हैं। इनके मूल पर है ना स्वस्थ पश्चिमी भारत के जैन मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं। तो ये तीन भाग है इसके, एक भाग वो है जी, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग इससे आगे, ये यहाँ बॉक्स बने हुए हैं जी। एक भाग वो है भाग, एक भाग पे आप लोग खड़े हुए हैं और दूसरा भाग ये है, तीन भाग हैं ये, यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स है, ये अंदर से खाली है, यहाँ तक ये खाली दिया गया है। उस टाइम ये बॉक्स के अंदर में सोने चांदी के सिक्के, एक कमरे में सोने चांदी के, सोने के सिक्के, एक में चांदी के, एक में हीरे जवाहरात मोती वगैरह वो यहाँ पर रखे जाते थे। ये बॉक्सेस बने हुए हर जगह में अलग अलग, ये इस टाइप बॉक्सों में रखे जाते थे और इन खानों में। ये पत्थर की कटिंग है यहाँ पर, ये कटिंग है पत्थर की जी, इसको पैक कर दिए थे, सोने चांदी अंदर रखिया, इसको ऊपर से कवर कर दिया बंद के लिए, बंदिंग के लिए जी। और ये कॉरिडोर बने हुए यहाँ पर, ये जो कॉरिडोर है यहाँ रखते थे, और ये पत्थर यहाँ लगा हुआ, चारों साइड में सैनिक खड़े होते थे, ये सैनिक को खड़े होने के लिए उस टाइम देखा वाली करते थे इस जगह की। पत्थर टूटे हुए पड़े हैं इसका ढक्कन, तो बताओ पुरानी हमारी अंदर पीढ़ियां अकबर का खुद का बैंक लॉकर कहते हैं इसे, अकबर बादशाह के, ये अकबर खुद का बैंक उस टाइम का जी। और यहाँ से आप लोग आगे आएंगे, आके देखेंगे अकबर टाइम का चौपड़ जी, चेस बोर्ड हाँ, अकबर टाइम बोलते ना 25 जो गेम खेलते थे जी। अकबर टाइम में पहले कोई गोटी वगैरह नहीं था जी, तो एक साइड में सैनिक खड़े हुए, एक साइड में दासियां खड़ी हैं, उनको रंगीन कपड़े पहनाकर वहाँ खड़ा किया जाता था जी। खड़ा करने के बाद पासे फेंके जाते थे, पासा फेंकने में जो पॉइंट आता था, जो चाल आती थी, वो सैनिकों को वहां पर चलाया जाता था। दूसरे राजाओं के राजा आकर यहाँ पर अकबर के साथ गेम खेलते थे, एंजॉय करते थे। जो चीज अकबर बादशाह जीत जाते, सैनिक कुछ जीत गया तो सैनिक अकबर के, दासी जीत गई तो दासी को अकबर का, अकबर हार गया तो दूसरे राजाओं का। वहां पर वो चौपड़ बना हुआ है, वो आगे से आपको दिखाएंगे, इधर से अभी जी वो चल रही इनकी टेजरी, हाँ देख लीजिए। तो फ्रेंड अभी देखिए ये सारी टेजरी है इनकी, और जैसा मैं आपको दिखाया था पीछे सेम वैसा ही है, यहीं भी वही है, पत्थर रखे हुए हैं हाँ। ये होता है सीक्रेट, ऐसा हमारे जो पुराना घर था उसमें भी यही सीक्रेट था, आपको दिखाएंगे कभी हम घर पे चलेंगे तो। आपको देखो ये सब है, ये सैनिकों के खड़ोने के, सैनिक खड़े होते थे यहाँ पर उस टाइम, सोल्जर यहाँ पर सैनिक के लिए है, ये सैनिक यहाँ सैनिक खड़े होते थे ना यहाँ पर चारों साइड में जी। इस जगह की देखभाली करते थे जी, वॉचमैन हाँ, जो लोग युद्ध में जो राजा हार जाते थे उनका सोना ला रहे तो यही रखते थे। फिर आपने देखा होगा कि कितनी टेक्निक थी उस जमाने में पैसे रखने की, आज जमाने में कितनी तिजोरियां रखो फिर भी पैसा नहीं रहता है, और ये तिजोरियां ऐसी हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा यहाँ पर है। तो फिर चल आइए, और यहाँ से ये देखेंगे आप इधर में जी, नीचे देखकर जी, वॉशरूम बना हुआ जाना, वॉशरूम ना ना बता रहे कुछ वॉशरूम के बोले जाना तो जाइए नहीं, वो आगे से दिखाएंगे कोर जी। ये जोशी की बैठने की जगह, जोशी हाँ अकबर के एक पंडित जी थे, वो यहाँ बैठकर अकबर को जी, तीसरी जोधाबाई, राजा मानसिंह की बुआ, राजा भारमल की बेटी जी, वो तीन रानी से अकबर के पहले औलाद कोई बच्चा नहीं था जी। तो अकबर बादशाह पहले बच्चे की मन्नत के लिए गए थे अजमेर दरगाह राजस्थान में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी हाँ, वहाँ अकबर और रानी ने मन्नत की पर वहाँ कोई अकबर नहीं हुई जी। सेकंड अकबर और अकबर की तीन रानी, फिर वो लोग गए थे वैष्णो देवी ज्वाला देवी, वहाँ अकबर चढ़ाया सोने का छत्र चढ़ाया था जी, पर वहाँ भी वही हुआ वापसी। फिर अकबर बादशाह अजमेर गए,
अजमेर में अकबर को एक सपना हुआ कि अकबर बादशाह आपको जो औलाद मिलेगी फतेहपुर सीकरी गांव के अंदर एक बाबा रहते हैं जी, जिनका नाम सलीम चिश्ती है जी, वहां पर आप मन्नत करें जी। अकबर और रानी अजमेर से पैदल चलकर 1569 में वो लोग यहां पर आए जी। 1569 फतेहपुर के अंदर दरगाह बनी है सलीम चिश्ती बाबा जी की, वहाँ अकबर और रानी ने मन्नत की। उनकी दुआओं और आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ जोधाबाई हिंदू रानी से जी जी। 1570 में जी बेटे का जन्म होने के बाद फिर इस किले को बनाना स्टार्ट किया। 1582 में कंप्लीट पूरे किले को बनने में लगे 12 साल जी। फतेहपुर सीकरी किला जो बना हुआ ये ताजमहल से 100 साल पहले बना हुआ है। 100 साल पहले ताजमहल से, क्योंकि अगर अकबर की मन्नत फतेहपुर सीकरी के अंदर पूरी नहीं होती तो ये किला नहीं होता, ताजमहल नहीं होता, क्योंकि ताजमहल जो बनाया है वो अकबर के पोते शाहजहां ने बनाया है जी। तो अभी भी जो लोग फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए आते हैं, जब लोग दरगाह जाते हैं ना जी, जैसे आप लोग दरगाह जाएंगे जी, पहले अपना हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद आपके पास रुमाल चुन्नी जो भी कवर करेंगे सिर पर जी, कवर करने के बाद दरगाह में राइट पैर से एंट्री करेंगे जी। दरगाह के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ कोई पैसा रसीद फकीर सोना चांदी वहाँ नहीं छाते हैं जी। लोग वहाँ जाते हैं फैमिली के साथ मिलकर कपड़े की चादर वहाँ छाते हैं जी, चादर के ऊपर फूल डालते हैं गुलाब के, धागे मिलते हैं मन्नत के, वो टच करने के बाद अपनी ही चादर से 3 बार अंदर वहाँ जालियां हैं वो लोग धागे बांधते हैं मन्नत के लिए जी। एक धागे में एक व्यक्ति 3 बार टाइट करता है जी, जैसे कि एक बार टाइट के एक ये स्क्वायर बने हुए हैं ना, ये स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पर जी, क्रॉस बने हुए हैं जी, यहाँ पर सैनिकों को खड़ा किया जाता था जी। जो चाल चलती थी जैसे कि हाथी चाल चलता है, एक कदम चाल चलता है, घोड़ा चलता है डेढ़ कदम, वजीर बादशाह रंगीन कपड़े पहनाकर पोशाक पहनाकर यहाँ पर खड़ी किए जाते थे उनको जी। पर यहाँ पर एंजॉय किया जाता, गेम खेला जाता जी। सामने ये बिल्डिंग है, यहाँ से ये देखेंगे ये वाली बिल्डिंग है सामने, ये 5 फ्लोर 5 बिल्डिंग की इमारत बनी है, 5 फ्लोर दिए गए। ये पूरी बिल्डिंग को पिलर के ऊपर सपोर्ट किया गया है, 156 पिलर्स हैं ये बिल्डिंग को सपोर्ट किए हुए हैं। गर्मी के टाइम में अकबर बादशाह और अकबर की रानी वहाँ बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते थे ऊपर में। और ये वाली बिल्डिंग है, ये सामने वाली बिल्डिंग अकबर टाइम का लाइब्रेरी है जी। अकबर टाइम यहाँ स्कूल चलता था, उस टाइम में उर्दू अरबी फारसी यहाँ पढ़ाते थे जी। पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनका नाम था अबुल फजल जी। उन लोगों ने एक बुक लिखी ना आईने अकबरी आईने अकबर अकबरनामा जी, वो किताब यहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि अकबर बादशाह खुद पढ़े हुए नहीं थे, 14 साल की उम्र उन्होंने गद्दी संभाली थी जी, सिर्फ अपना नाम लिखना सीखा था उन्होंने अकबर। अभी आप लोग देखेंगे तुर्की सुल्ताना का महल, क्योंकि अकबर की जो रानी पहले रानी रुकैया बेगम जो तुर्की की रहने वाली थी जी, तो उनके लिए महल बनाया था, सिंगल फ्लोर का महल, एक कमरे का महल बना हुआ है जहाँ पर अलग अलग कराओं की नक्काशी की गई है। अकबर टाइम में पहले कोई लाइट कोई मशीन जस्ट टोटली हाथ से कटिंग करके बनाया है। यहाँ कुछ नोटिस दिया आई, ये क्या है यहाँ पर लाइब्रेरी लाइब्रेरी ना बुरा, ये स्कूल चलता था उस टाइम में, जो कारीगर या काम करते थे बच्चे सैनिक के बच्चे वगैरह यहाँ पर पढ़ते थे। तो देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी थी, यहाँ पर अकबर के टाइम पे सभी बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि अकबर जो थे वो अनपढ़ रह गए थे। 2 फ्लोर का है ना ये, एक और ये ऊपर 2 सुल्तान 2 फ्लोर हाँ रुकैया का दिखाएंगे अभी, इधर आइए। और यहाँ से देखे आप ये जो पानी भरा हुआ है ना यहाँ पर जी, ये अनूप तालाब इसको कहते हैं, वैसे ये तानसेन का गाने का जगह है, गाने का हाँ। ये 4 रैंप हैं, 4 रास्ते जाने के लिए, नीचे पानी भरा रहता था उस टाइम, यहाँ गुलाब के फूल इत्र वगैरह यहाँ डाले जाते थे सुगंधित के लिए जी। और ये जो फ्लोर बना बैठने की जगह बनी है जो जी, यहाँ पर अकबर के मंत्री तानसेन जी, जो 9 रत्नों में से एक मंत्री तानसेन थे जी, वो तानसेन यहाँ बैठकर अकबर बादशाह को गाना सुनाते, राग सुनाते थे। अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे, विंडो बनी है जी, वहाँ बैठते थे अकबर बादशाह और अकबर की रानियां यहाँ साइड से बैठती थी और उस वह बैठकर गाने का आनंद लेते सुनते थे। यहाँ पर तानसेन ने एक राग गाया था मल्हार राग जी, उस टाइम बारिश हो गया था, और इस जगह पर तानसेन बेजू बापरा के अंदर में कॉम्पिटिशन हुआ था जी। तानसेन ने राग गाया मल्हार राग, बारिश हुआ, बेजू बापरा ने राग गाया दीप राग जी, पानी के अंदर दीप जल गए थे, दीप हाँ पानी में दीप जल गए थे उस टाइम, तो यहाँ जले थे। पिक्चर देखा आप लोगों ने परदेश, देखिए शाहरुख खान की पिक्चर परदेश जी, पिक्चर परदेश में जो गाना होता है नहीं उड़ता नहीं उड़ता लेकिन हो गया प्यार जी, वो यहाँ पर होता है इस जगह पर शूटिंग हुई थी हाँ यहाँ पर। यहाँ पर जो पिक्चर बनी है परदेश, यतीम, कच्चे धागे, लाल पत्थर, गर्म हवा, मुगले आजम, हीर रांझा जी,
और लास्ट मूवी है कैटरीना कैफ की, मेरे ब्रदर की दुल्हन जी, वो यहाँ पर बनाया है। काफी मूवियां यहाँ पर बनी है जी। ठीक है, आगे आइए। अभी आप दिखाने वाले हैं रुकैया का, ये देखो कितना क्रेज है देखने वालों का, विदेशी लोग काफी आ रहे हैं। कटिंग करके बनाया गया है ये सारा, कटिंग करके बनाया गया नक्काशी है ना जी। ये कोई भी ज्वाइंट नहीं है जी, ज्वाइंट नहीं, सिंगल पीस के अंदर में उस टाइम लाइट मशीन नहीं, हाथ से कटिंग कर ये डिजाइन को बनाया गया है जी। जैसे कि ये डिजाइन बनी है यहाँ पर, ये अंगूर का बेल है, अनार का बेल, ये अनार का पेड़ होता है जी, उसका डिजाइन है, अनार का डिजाइन, ये अनार की बेल, और इससे आगे ये अंगूर की बेल, यहाँ पर कोई भी हमारे अपने घर में भी है। हाँ, ऐसी लगते थे पहले, पहले ऐसी लगते थे दरवाजे, लगते थे दरवाजे हैं अभी भी। और ये है अंदर से रूम जी, रुकैया का, तुर्की सुल्ताना जो अकबर की रानी तुर्की की रहने वाली थी, उसके रहने के लिए जी। नीचे में जो आप लोग देखे जो डिजाइन दी गई है पेड़ों के ऊपर, जो पंछी बैठे हुए हैं जी, मुस्लिम धर्म में क्या है, कोई मूर्ति वगैरह नहीं लगाते हैं, कोई पंछी वगैरह, कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगाते जी। तो अकबर टाइम जो पहले मंत्री और राजा आए थे ना, औरंगजेब, औरंगजेब, तो औरंगजेब ने जितनी बजे आप देख रहे हैं पेड़ को पंछी बैठे हुए, किसी का सर नहीं है जी, कोई मुंडी वगैरह नहीं। ये तुर्की सुल्ताना के लिए था, छोटा महल है, एक कमरे का बना हुआ, और यहाँ से ये इधर में ये देखिए डिजाइन है, सब अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग नक्काशी है। ये बना हुआ है स्टार होते हैं ना जी, उसका डिजाइन है, टोटली हैंडमेड। अभी भी जो सीकरी गांव है ना, गांव के अंदर ये पत्थर निकलता है कहते हैं इसको, उसका नाम रुकैया बेगम, रुकैया जो अकबर की बचपन की दोस्त भी थी और उनकी रानी बेगम भी थी, पहली बेगम वही थी जो सबसे सुंदर थी जी, और तीसरी रानी थी अकबर की जोधा, जिससे अकबर को बेटे का जन्म हुआ था। अभी आगे आएंगे आप इधर में, और तुर्की की भी आपको दिख रही होगी सेम डिजाइन। तुर्की रहने वाली थी, नाम रुकैया क्यों पड़ा, बहुत ही अच्छा महल है। अभी यहाँ पर लॉक लगा दिया, हम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आपको बाहर दिखा रहा हूँ। मैं वही तो, मैं भाई को जो पुराने जमाने के दरवाजे डोर होते हैं, ये उनका डिजाइन, हाँ उसी का डिजाइन है पूरा, ऐसा ही बाबा ने हमारे भी, कोई भी ज्वाइंट नहीं है उसमें, एक ही पत्थर के अंदर में उसको तराशा गया है। हम आपको दिखाने वाले हैं रुकैया बेगम का महल, जो कि अकबर बादशाह ने बनाया था। तो आज हमारी आदत में सुषमा भी साथ आई हैं, तो रुकैया बेगम का दिखाते हैं हम आपको। कुछ बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग की गई है, ठीक है, जो आप डिजाइन देख रहे हो वो आज दिखाने वाले हैं आपको। अकबर का बेडरूम, ये बेड है जो कि रुकैया बेगम यहाँ से गेट से आती थी, जो कि पीछे आपको दिखाया था, और ये जो विंडो बनी है, ये विंडो में से हवा आती थी, ठंडी हवा, ये देखो ऊपर अकबर बादशाह का, ये अकबर बादशाह का ये ऊपर है बेडरूम, इस तरह वहाँ लेटते थे। तो जो रैम थी लकड़ी की, यहाँ से ऐसे लगती थी रैम, लकड़ी की रैम लाकर चढ़ते थे, बाद में लेस्ट जो कोई आना पड़ेगा हो सके, तो उसके बाद यहाँ पर पानी भर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सब पानी भर दिया जाता था, बिल्कुल पानी भर दिया, फिर आराम से लेते, ठंडी हवा आती और कोई हमला नहीं होता था अकबर पे। इस तरह अकबर बादशाह का बेडरूम, अभी आगे आपको और दिखाने वाले हैं बहुत ही, और वीडियो बने रहना। अभी अकबर बादशाह का है, अभी एंजॉय ले रही है। आपने अकबर का बेडरूम देख ही लिया होगा, अब हम चलते हैं जोधा भाई महल में। कितने प्यारे प्यारे बताओ, क्या हो गया।
यहाँ से ये देखें आप, आर्टिस्टिक डिजाइन चारों साइड में सब अलग अलग डिजाइने हैं झुमकों की। जब कभी जोधा भाई को कुछ चीज मंगानी होती थी तो यहाँ से डिजाइन पसंद करने के बाद अकबर बादशाह उनको मंगा कर देते थे। जी देखिए, तो आपको दिखा रहे हैं रसोई, बहुत ही बड़ी रसोई है। अकेले के लिए खाना बनता था जोधा भाई के? अकेले के लिए नहीं, अकबर भी खाते थे। जी उसी टाइम के सही पत्थर हैं ये? हाँ सारा उसी टाइम का पत्थर है, कुछ पत्थर आज का भी है। अंदर जो पुरानी जो सब डिजाइन है जी वो सारा उसी टाइम का, ये देख रहे हैं। तो फ्रेंड अभी आकृति हमारी सामने देखिए, मरियम वाला yes। कौन सा ये जितना अभी भी आप डिजाइन देख रहे हैं ये पूरा राजस्थानी डिजाइन है। मरियम पैलेस देख ले, देख लो अंदर में। तो आपको दिखाने वाले हैं मरियम पैलेस, जो अकबर की तीसरी बीवी थी मरियम पैलेस। मरियम पैलेस बताया ना आपको, अकबर की दूसरी रानी थी ना मरियम, क्रिश्चियन जो गोवा की थी, ये उनके लिए की, और जो रुकैया थी वो तुर्की की थी। क्रिश्चियन रानी थी? हाँ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ये क्रिश्चियन रानी का महल है, मरियम पैलेस बोलते हैं, जो अकबर की सेकंड रानी मरियम थी जी, जो गोवा की रहने वाली थी, ये उनके रहने के लिए। ऊपर में ये पेंटिंग बने हैं, पेंटिंग देखिए आप ये सामने जी जी, ये यहाँ पेंटिंग के बनी हुई है, एक यहाँ पेंटिंग बना हुआ है, ये यहाँ पेंटिंग अकबर का पेंटिंग बना हुआ है, ये सब अलग अलग पेंटिंग है, रियल पेंट उस टाइम का, रियल 500 साल पुराना कलर है जी। जो रानी की देखो, हाँ हाँ फोटो है, देख लीजिए, देख रहा है, हाँ हाँ देख लो आराम से, ले लो झूम करके फोटो ले लो आराम से, देख रहे हो आप। अभी लास्ट देखेंगे जोधा भाई का मंदिर, जोधा भाई का बेडरूम जी। देखो पुरानी डिजाइन वगैरह, अभी अकबर बादशाह की तस्वीर भी सामने आपको दिखाते हैं पेंटिंग। अभी बहुत ही स्पेशल जोधा भाई का आपको बेडरूम दिखाने वाले हैं हम, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, आपको हम ले चलते हैं के? ये लास्ट है उसका, चलो ये देखें आप, ये जो आप लोग देखे डिजाइन बना हुआ है जी, टोटली जो राजस्थान की हवेली होती है ना जी, हवेली डिजाइन जी जी, ये जोधा भाई का महल है, वो अंदर से आपको दिखाते हैं। अंदर में दो कमरे बने हुए हैं, समर एंड विंटर जी, समर और विंटर, हाँ एक गर्मी के लिए एक सर्दी के लिए जी, दो कमरे अंदर में हैं। सबसे बड़ा महल जोधा भाई का है जी, क्योंकि जोधा भाई से अकबर बादशाह को लड़के का जन्म हुआ था जी, और यहाँ पर उस टाइम में दासियां खड़ी होती थी जी साइड से, हाँ ऊपर। आप हमारे पीछे देख सकते हो जोधा भाई का महल, आपको दिखाते हैं अंदर चल के पूरा महल, एक तरफ आपका पूरा कितना बड़ा महल है जोधा भाई का, सबसे प्यार यानी थी जोधा, इसलिए अच्छा बनवाया, आपको पूरा टूर कराते हैं हम। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं विभागीय बिक्री केंद्र, जो कुछ काउंटर बनाएंगे अभी दिखाते हैं आपको, कुछ एंट्रेंस वगैरह गेट ऐसा रहता है। चलो आगे दिखाते हैं आपको आराम से, देखिए इसके अंदर आने का जो रास्ता है ना वो ज़िगज़ैग की तरह है जी, आधा इधर आधा उधर, क्योंकि उस टाइम में क्या है लेडीज पहले पर्दे में रहती थी जी, जेंट्स को यहाँ अंदर आना अलाउड नहीं था जी। ये ऊपर जाने का रास्ता है जो कि इसे बंद कर दिया है, लोग काफी गंदगी करते थे। माने लाऊंगा यार, मैं लाऊंगा वहां पे, ये इसको कहते थे कलवा डब्बा है, गर्माहट वगैरह रहती थी, और सामने इस तरफ झील थी, उसे कहता है ठंडा कमरा। बहुत ही बड़ा महल दिया था, रुकैया बेगम का महल
तो बिल्कुल छोटा था। हमारी जोधा भाई का महक जो टीवी सीरियल में देखते थे, सपना साकार हुआ बच्चों के साथ ट्रिप का। फ्रेंड देखिए पूरा महल, अब हम आपको दिखाएंगे। आपको जोधा भाई का मंदिर भी दिखाएंगे। ये था मंदिर जो अकबर ने बना के दिया था। देख लो वो पीली वाली तो नदी थी, पूजा वगैरह यहीं पे करते थे। मैं पीले वाले उधर डाल लिया, आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है, देखो डिजाइन गणेश जी की तरह, जो किशन जी लाई थी अपने साथ, यही पूजा करते थे। देखो सब, देखो पूरा हिंदू आर्किटेक्चर काम है जयपुरी डिजाइन में। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटें वगैरह रहती थी रोशनी के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा वर्किंग राजस्थानी, यहाँ कान्हा जी की मूर्ति रहती थी सामने की। इस तरह था वो पूरा। देखिए सभी लोग फॉरेन लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये था उनका पूरा मंदिर, यहीं पे कान्हा जी सामने थे, फोटो रखते थे। यहीं पे कान्हा जी का ऊपर रहता था आसन, यहीं पूजा करते हैं। यहीं मेरा है, यहीं पे पूजा करते हैं। जितना है टमर पे लुक पहले जोधा भाई। तो फ्रेंड देखिए पूरा व्यू जोधा भाई के महल का। जैसे उस समय गुड़े गुड़े करते हैं पहले, अब पहले वहां था जो यहाँ पे मेन गेट है जी बस। हाँ ये एक ही गेट है, एग्जिट भी यही है एंटर भी यही है जी। फिल्म ने जोधा भाई का पूरा महल दिखा दिया। चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर। कितना अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है, कितना अच्छा व्यू है भाई। हमारे पीछे देख रहे फॉरेन टूर काफी लोग आए हैं। इस तरह है। तो फ्रेंड अभी आगे आपको और कुछ दिखाने वाले हैं स्पेशल, वीडियो बने रहना हमारे। आइए अभी हम लोग फतेहपुर चलेंगे। अब चल रहे हम लोग फतेहपुर। पानी तो है ना जी, तो सबसे बड़ा महल जोधा भाई को बनाकर दिया है। तो फ्रेंड आ रही है मम्मी अभी, आओ इधर साइड से देखिए, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब यहाँ से हम जाएंगे फतेहपुर सीकरी। तुम वहाँ पे सो जाए, मैं लग गया चलते। हम लोग बाहर आ गए ना यार, यहाँ रुको आप लोग। अब वहाँ में क्या मिलता। तो फ्रेंड अब लोग हम चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी। जी सामने कौन सा महल है? फतेहपुर जी सीकरी आपने देखा है जी, फतेहपुर ये गेट से जाएंगे हम लोग जी। छोटा गेट, बादशाही दरवाजा। उस टाइम में अकबर और अकबर की फैमिली के लोग ये गेट से एंट्री करते थे फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जी। हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, चप्पल जूते अंदर अलाउड नहीं है। आगे चौकीदार वहाँ रखने के बाद फिर अंदर जाएंगे जी।
इसी के लिए आने के लिए रूप जी भैया जी फूल डालेंगे जी। कोई मन्नत अगर करनी है तो अंदर जाली वहाँ धागा बांध सकते हैं। जो लोग मन्नत नहीं करते वो लोग परिवार की सुख शांति के लिए वहाँ चल जाते हैं जी। एक धागे में एक व्यक्ति तीन गांठ लगाता है, तीन मन्नत करते हैं जी। हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर सकते हैं, छह मन्नत करते हैं जी। और जो बच्चे मन्नत करते हैं पढ़ाई लिखाई का वो किसी को बोलते नहीं, वो दिल में सीक्रेट रखते हैं जी। जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो लोग धागे बांधकर या जाते हैं जी, दोबारा खोलने के लिए यहाँ पर आते नहीं है, आते नहीं। फ्रेंड आपने जैसा देखा, हम लोग आके फतेहपुर घूम चुके थे, अब हम आए सीकरी जो कि जोधा भाई की महाराजा अकबर की मनोकामना पूरी हुई थी, उनके गुरुदेव थे जो वो यहीं थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई, पैदा हुए थे। ये रॉयल गेट है, महाराजा अकबर के यहीं जाते थे, नमाज पढ़ते थे। वो आपको हम दिखाएंगे पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो। चार मेंबर हैं, देख कितनी क्राउड आ रहा है यहाँ, कोई मन्नत मांग सकते हो पूरी होने के बाद, आगे जोत नहीं है, साथ में किसी दो गरीब बच्चों खाना खिला के आइए सर, हेलो पूरी समझ सकते हो। तो फ्रेंड अंदर टाइम लग जाएगा, लाइन लगानी पड़ी दरगाह के लिए, तेल जूते निकाल लें, जूते रखिए यहाँ, चल रहे हैं अभी दरगाह के पास। बहुत हम भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक आए हैं। जब नीचे चल तुम्हें संग तो बिल्डिंग मुसाफत आप देख सकते हो, यहाँ बैठा हुआ नीचे दरगाह। हम लोग ये रॉयल गेट बादशाही दरवाजा जी, रॉयल गेट है, यहाँ से अंदर आने के लिए 12 सीढ़ियाँ हैं जी। यहाँ से उस टाइम में अकबर और अकबर की फैमिली हर शुक्रवार के दिन आगरा लाल किले से नमाज पढ़ने के लिए आती थी जी। सामने वाली बिल्डिंग है रेड वाली जी, वो नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है जी। अभी जो गांव के लोग जो घूमने आते हैं आज भी लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। आगे वाला इसका मेन गेट बुलंद दरवाजा जी। बुलंद इसकी ऊंचाई को बोलते हैं, दरवाजा गेट है, और गेट की जो ऊंचाई रोड से ऊपर टॉप तक 176 फीट है, 176 फीट जी। चौड़ाई 90 फीट है, आने के लिए वहां से जो सीढ़ियां हैं वो 52 जी। बुलंद दरवाजा आम पब्लिक के आने के लिए जी, रॉयल गेट रॉयल फैमिली के अंदर आने के लिए जी। अकबर टाइम में लाइट नहीं थी, ये छतरियां हैं उस टाइम में यहाँ लगाते मशाल जी। ये कमरे हैं चार साइड में 84 कमरे हैं, 84 कमरे। ये कमरों में अकबर टाइम स्कूल चलता था, मदरसा, मदरसा उस टाइम में उर्दू अरबी लैंग्वेज पढ़ाते थे जी। पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उनका नाम था अबुल फजल जी। उन लोगों ने किताब लिखी थी आईने अकबरी, आईने अकबर, अकबर नाम यहाँ लिखा। सामने वाली दरगाह है ना व्हाइट वाली जी, वो व्हाइट दरगाह है बाबा सलीम चिश्ती की जी, जहाँ अकबर बादशाह ने मन्नत की थी बेटे के लिए, इन्हीं की दुआओं से अकबर को बेटा हुआ जी। बेटा होने के बाद ये पूरा किला बनाया है, बाद में बनाया, बाद में। अभी भी लोग वही जाकर चढ़ाते हैं चादर, डालते हैं फूल, अंदर जाली है वहां लोग धागे बांधते हैं। ये सारी कब्रें सैनिकों की जो अकबर के सैनिक थे। बाहर जितनी भी कब्रें हैं जेंट्स की हैं, अंदर में लेडीज की हैं जी, क्योंकि अकबर टाइम में लेडीज पर्दे में रहती थी, उस टाइम में लेडीज के लिए काला कपड़ा बुरखा नहीं था जी। सामने जालियां रेड पत्थर में, उस टाइम में लेडीज अंदर बैठकर जाली से बाहर देखती, बाहर से आदमी जाली के अंदर नहीं देख पाते। जो कब्र वगैरह क्यों की है जी यहाँ पे, सैनिक जो अकबर के सोल्जर्स थे ना उन्होंने, और कुछ सलीम चिश्ती की फैमिली के लोगों की है, बाबा जी की फैमिली के लोगों की है जी, जिन पर चादर चढ़ रही है ना जी, वो बाबा के फैमिली के लोग है जी। बाबा की फैमिली के लोग आज भी यहाँ जिंदा है जी। शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद दरगाह जाते, जो लोग चादर वहाँ चढ़ा के जाते उतार के चादरों को जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनको बांटते हैं, वो लोग कपड़े ताबीज बनाते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली की दुआएं करते हैं जी। फैमिली में से कोई मरता है उन लोग को समाधि यहाँ देते हैं। अच्छा, अभी भी? अभी भी। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर आपको दिखाएंगे अनारकली का सुरंग। पिक्चर मुगले आजम के अंदर अनारकली को कैद किया ना, उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर हम लोग अपने हाथ धोएंगे, फिर दरगाह में चलेंगे जी। ये लोग यहाँ फोटोग्राफर है, अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अगर बाद में आप बनवाओगे तो टाइम लगेगा, ये एडवांस 1 रुपया नहीं लेगा, आपके मोबाइल वगैरह में पूरा गेट नहीं आएगा। बुलंद दरवाजा जो मेन 5-6 फोटो है खींचेगा बनाकर आपको दे देगा, एडवांस 1 रुपया नहीं देना है। ये गवर्नमेंट फोटोग्राफर है, लोकल फोटोग्राफर यहाँ अलाउड नहीं है। ऐसे लोग बनवा रहे हैं सभी लोग, जब तक घूम कर आएंगे ये रेडी कर लाएगा, क्योंकि इनको नीचे मार्केट में लैब है, वहाँ जाना पड़ता है बनाने के लिए, ऊपर लैब नहीं है, मार्केट के अंदर लैब है, नहीं चाहिए। आ जाओ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, देखिए जबरसी वाला काम नहीं है। कि आप देख चुके होंगे हम गेट के, जो कि रॉयल गेट है, अभी देखो बच्चे लोग आ रहे हैं काफी, तो आपको हम बताते हैं यहाँ पर 84 कमरे हैं,
जो कि ये आप लोग देख रहे होंगे 84 कमरे जो लेडीज हैं वगैरह थी। हाँ सोहेब, और आप जो हमारे आगे देख सकते हो समाधि वगैरह बनी हुई है जो उनके हमारे महाराजा अकबर थे, उनके सैनिक थे, जो मंत्रीगण जो उनके चहीते उनकी समाधियां बना दी गई हैं, और जो सलीम चिश्ती जो हमारे उनके गुरु थे जो भाट मकबरा बना है आपको अभी हम दिखाएंगे पास में जाके, उनके भी जो पूर्वज या अभी तक जो भी नहीं रहे ऐसे दुनिया में उनकी भी कब्र यहीं बनती है। तो फ्रेंड अभी हम दिखाते हैं आपको, और अनारकली की भी सुरंग आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो बन रहे हैं ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, तो आपको दिखाएंगे पास में पूरी कब्र दिखा रहे हैं आपको। आइए इधर से आप लोग ऊपर, आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए ऐसे लोग ले रहे हैं ना चादर जी, चढ़ाई वाला देखो, ये जो गेट है जी, ये अकबर टाइम गुप्त रास्ता है जो पिक्चर मुगले आजम के अंदर में और रियल बताया गया था कि अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में जिंदा कैद किया है, जिंदा पर उसको कैद नहीं किया, सिर्फ पब्लिक को दिखाया कि कैद किया है, उसको पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। आगरा देखा लाल किला आप लोगों ने जी जी, आगरा रेड फोर्ट में एक कुआ बना हुआ है, आर्मी अंडर में आता है सीस मल के साइड से जी, ये पहले वहां खुलता था और वहां से दिल्ली के लाल किले में और दिल्ली से खुलता लाहौर पाकिस्तान जी। तो अनारकली को पहले आगरा फोर्ट निकाला, फिर दिल्ली फोर्ट, फिर लाहौर। अनारकली और अकबर के बेटा सलीम जिसको जहांगीर कहते हैं जी, दोनों की जो समाधियां हैं वो लाहौर पाकिस्तान में, उस टाइम में कार नहीं, पीछे गेट से घोड़े अंदर जाते थे मशाल लेकर गुप्त रास्ते से। अब ये टूट चुका है तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। और ये जो खाली जगह जो नीचे हॉल बना हुआ ये वाला जी, ये अकबर टाइम सुरंग के सांस लेने के लिए बनाया ऑक्सीजन टनल, ऑक्सीजन जी। ये जालियां हैं चारों साइड में, 56 डिजाइन की जालियां हैं, उस टाइम में लाइट मशीन नहीं, जाली को बनाया हाथ से कटिंग करके, जाली अकबर टाइम पर्दे के लिए, उस टाइम में लेडीज अंदर बैठकर जाली से बाहर देखती और जाली के अंदर नहीं देख पाती थी। तो अभी हम लोग अपने हाथ धोएंगे फिर दरगाह चलेंगे। आगरा लाल किला, अच्छा आगरा फोर्ट जी, आगरा लाल किला दिल्ली का रेड फोर्ट जी, और दिल्ली फोर्ट से लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान तक जी। तीन साइड डिवाइडेड है, तीन रास्ते हैं अलग अलग। भैया ने बताया है ये अनारकली को चुनवाया गया नहीं गया था, जो कि इस बाहर की तरफ निकाल दिया था, जो कि ये अभी आगरा फोर्ट किले की वो निकलती है, वहाँ से लाहौर पाकिस्तान तक जाती है, जो कि सलीम अनारकली कब्र अभी पाकिस्तान में है और यहाँ से निकाल दिया गया था वो। रीजन ये था कि अनारकली सी वर्ल्ड का फर्स्ट क्लब ऑफ इस फादर बहुत बहुत तक है, उसी से उसको ट्विटर में बोल रहा बात को कैसे पता, इस वजह से एक ड्रामा की तरह यहाँ पर अनारकली को पता चल पाए ने और उसके पीछे के रास्ते से टनल के माध्यम से अपने पास लाहौर बुला लिया। ये सीक्रेट टनल यहाँ से आकर आकर फिर से दिल्ली लाहौर। तो फ्रेंड ये बहुत बड़ा सीक्रेट था जो फर्स्ट ब्याह अकबर का था अनारकली के साथ, तो कैसे मंजूर होता है इसलिए वहाँ से निकाल दिया था अनारकली को, अनारकली को मार देने का कुछ ढोंग वगैरह किया गया। जा रहे हैं वहाँ पर हाथ धोके चादर वगैरह लेंगे, अब इस लाइन से लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड हम आ गए हैं सलीम चिश्ती की दरगाह पर जहाँ अकबर की मनोकामना पूरी हुई थी, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोग आए और मनोकामना पूरी होती है। तो फ्रेंड सर ढक कर आइए यहाँ पर, यहाँ पर और चलते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं बंद दरवाजा सलीम चिश्ती की दरगाह जहाँ अकबर की मनोकामना पूरी हुई थी, और जो कि सलीम जहाँ पैदा हुए थे यहीं पर आए थे, माथा टेका था तो उनके उनका पैदा हुआ था, उसके बाद उन्होंने सारा एक किला बनवाया था। देखिए बुलंद दरवाजा और सब मनोकामना यहाँ पर सामने मौजूद थी, यहाँ महाराजा अकबर आते थे। ये है सलीम चिश्ती की दरगाह, अभी हम अंदर आपको अभी हम यहाँ पर हो आए हैं, अभी तार चढ़ा के ताजमहल देख रहे थे जाओगे, अच्छा तो आपसे मिल जाएगी। तो यार तो आगे पड़ रही है मैडम।
है वापसी जूते पहन लीजिए अपने आप। अच्छा जूते लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग हैं वापसी। यहाँ पे जूते फिर निकलेंगे अपने के लिए कुछ मार्केट वगैरह अगर मिलेगा अच्छा आपको दिखाएंगे। जूते यहाँ से अभी उठाते हैं चलते हैं। देखिए इस तरह का व्यू है सलीम चिश्ती दरगाह के जाने के लिए। इस तरह रॉयल फैमिली यहाँ से आती थी और जाती थी। अभी हम लोग होके आए हैं चार वगैरह भी चढ़ा दी है हमने भी हम लोग भी सोचा कि हो आए हम लोग अब चल रहे हैं घर पे सभी को बाय बाय। आप यहाँ पर अगर चादर सैनिक वगैरह रहते तो वही छावनी है जो कोई नहीं दिखाएगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ASI के अंडर में सभी है। ये पूरा किला होता है सुरक्षा के लिए तो मेन गेट था यही था। अभी अपने ऑटो में बैठ गए हैं हम निकल रहे हैं। अगर कहते डीले से वाली उसमें पंडित जी के भोजनालय में ये पंडित जी का भोजन है आगरा में वाह लस्सी वाली स्पेशल और 130 में क्या खाए बताओ। शाही पनीर है दाल फ्राई है चना मसाला है मटर पुलाव सलाद चार रोटी और एक गजब ये इतना 30 में 80 वाली में दाल मटर पनीर वाओ चावल और सलाद बताओ 80 वाली नहीं खा पाएंगे। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है बेटा। तो आप लोग घर की ऑडियंस को करोगे रिकमेंड अच्छा। तो अभी घर के जो गाड़ी वाले ड्राइवर साहब वो भी मिल गए हमें हमारे लिए सलाद हमारा आ चुका है। अभी थाली आएगी स्पेशल तो आपको दिखाएंगे हम ट्राई करो। ग्रीन सैलेड नहीं है ये बात नहीं कभी थाली आएगी आप दिखाएंगे हम। तो फ्रेंड यहाँ बेस्ट रेस्टोरेंट है अगर ये शाही थाली है जगह। अरे रसगुल्ला आ गया है और ये चना की सब्जी और ये दाल ये पनीर और ये पुलाव ये रोटियां देखो मक्खन वाली आएंगी स्पेशल वाली बटर रोटी है। ये खाना अंदर अंदर नहीं मिलता होटल में बढ़िया ये यहाँ शुद्ध वाला ये आपको मिलेगा। आकृति भी इंजॉय करी बताइए टेस्ट करो तीनों से टेस्ट करो रायता वगैरह सब तो बताओ मुझे टेस्ट उसके बाद मैं खाऊंगा। मम्मी का प्यार है ये तो पनीर अच्छा है। अब बताओ दाल दाल ऊपर करके पनीर डाला है आदि की फेवरेट है बहुत टेस्टी है। देखो घी देखो घी देसी देसी बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट रोटी है देसी घी खाना बहुत बेहतरीन है। पनीर क्वालिटी देखिए पुलाव है मटर पुलाव और पनीर देखो जिसके डाला हुआ है शाही क्या चाहिए शाही पनीर शाही पनीर है वाह अरे वाह। हाँ कितनी देखो किचिंग कर रही है शाही पनीर भी ले रही है वो भी दोनों मजा ले रही है। सबसे अच्छी छोले की सब्जी लगी इससे भी अच्छी है कुछ कह रहा है बताइए छोले की सब्जी बहुत अच्छी है पनीर से भी अच्छी है। तो फ्रेंड अभी हम बता रहा है कि पनीर से भी अच्छी छोले सब्जी है अभी चेक करके बताते हैं निकला एक अरे वाह ताजमहल से भी यमी ऐ स्वाद कम खाओ ना हमने अभी तो इतना बड़ा हो गया हूँ ऐसा नहीं कभी लिया।
बताओ ये स्वाद देखो आकृति चेक करो। मैं तो पनीर की चटनी नहीं थी। ये सैलेड बढ़िया है। ऐसे छोले हमने आज तक देखे नहीं कभी। ये छोले को ट्राई कर रहे हैं। छोले वाली वाले छोले वाला है वैसा जैसे हल्का छोले तो सही है। ये हल्का खाना है और ये थोड़ा भारी खाना है। ये भाई इनके पापा खाते हैं और मैं दाल वाला और आज 80 थाली में और स्टेशन थाली अंतर है बहुत जमीन आसमान का। बहुत अच्छा होटल है पर आप थाली है ना 130 वाली दोनों थाली मैंने मंगाई थी अंतर चेक कर रहे थे हम तो 130 वाली भी फेवरेट है बहुत वीआईपी जो हमारी बड़ी मिलती है 500 रुपए की वो यहाँ मिलती है सिर्फ। तो आप दिखाइए भाई बताओ क्या स्वाद है भाई मान गए। अबे कैसा लगा खाना छोले ही तो हमें तो छोले सबसे बढ़िया लगे और रायते और पनीर भी अभी बताएंगे सुषमा करके टेस्ट करिए छोले का टेस्ट असंभव है आज तक दिखाई नहीं कभी भी राजस्थान में ग्वालियर में बहुत ही बढ़िया है छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बताओ तो आज तक खाना नहीं अभी तक खाया मैंने छोले का इतना इतना अच्छा। तो फ्रेंड थाली का एंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं कितना बिल आता है। बहुत ही हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो पुलाव चावल किसका फेवरेट है कमेंट में बता दें। रसगुल्ला किसका फेवरेट है आकृति का देखो आकृति खा रही है मम्मी ट्राई करेंगी। आ गई हमारी है अभी वही पी रहा है खाना खा चुके हैं हम लोग उसका लस्सी क्या टेस्ट है अच्छा जल्दी पियो चलो चलना अभी ये लेट हो रहे हैं। पी लो फिर पी लो और आ जाएगी पूरा फिल कर दिया कैसा टेस्ट है अच्छा लग रहा है इसको यही लस्सी पी रहे खाना खाने के बाद हम भी पिकअप चल रहे हैं वही लेट हो रहे हैं। फ्रेंड देखिए रामपुरी वाले फेवरेट सभी के यहाँ पर लोग